राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय के नेतृत्व में सदस्यों ने जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि लॉकडाउन के बाद विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है तथा कार्यालयों में आम जनता अपने कार्य के लिए कार्यालय में आ रही है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की स्थिति में कार्यालय में कार्य कर रहे कार्मिकों के संक्रमित होने की संभावना अधिक है। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में वैक्सीनेशन अभियान चलाकर संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकता है। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सदस्य कृष्ण मोहन पांडे, मनीष, अमित, मनोज, दिलीप, वीरेंद्र, शिवशरण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, दुर्ग विजय जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। आज हम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सभी राजकीय कार्यालयों में एक ज्ञापन देने माननीय जिलाधिकारी महोदय को आए हैं कि हमारे सभी कर्मचारी जनपद के अपनी जान की बाजी लगा करके जनहित का कार्य करते हैं, सरकार हित में कार्य करते हैं, देश हित में कार्य करते हैं, इसलिए उनको जान बचाने के लिए हम लोग 100% वैक्सीन लगाने का अनुरोध कर रहे हैं कि कार्यालयों में कैंप लगा करके और सबका वैक्सीन करा जाए सभी कर्मचारियों का।